बेटे बेटियां नहीं, समझ रहे? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बेटियां, बेटे नहीं, समझ रहे हैं? तो हुन्ना अथहरु लकुम, मेरी कौम की बेटियां हैं, उनसे निकाह करो, औरतों के साथ करने का काम है, ये मर्दों के साथ तुम करना चाहते हो। हुन्ना अथहरु लकुम, वो तुम्हारे लिए पाक है, पाकीज़ा हैं, ज्यादा पाकीज़ा हैं। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, कौन कह रहे हैं ये? लूत अलैहिस्सलाम। वला तुख्ज़ून, मुझे मेरे मेहमानों के सामने, फी ज़ाइफी, मेरे मेहमानों के सामने जलील मत करो, रुसवा ना करो। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में कोई अकलमंद आदमी नहीं, समझदार आदमी नहीं, अच्छे अखलाक वाला आदमी नहीं है तुम्हें, इंसानियत रखने वाला कोई इंसान नहीं है तुम्हारे अंदर? अब कौम वाले क्या समझते हैं, कौम वाले क्या कह रहे हैं, ये सुनकर कौम क्या कह रही है हजरत लूत अलैहिस्सलाम से? क़ालू लक़द अलिमता मा लना फी बनातिका मिन हक़। ए लूत, तुमको मालूम है अच्छी तरह कि हमको तुम्हारी बेटियों, यानी तुम्हारी कौम की बेटियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारी कौम की बेटियों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई हक नहीं है हमारा। रगबत नहीं है। وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, और ऐ लूत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं, समझ गए? हमारी पसंद कुछ और है, ये कह रहे हैं कौन? قوم لوط। قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد। हजरत लूत फरमाते हैं, काश मुझे तुम्हारे मुकाबले में जोर होता, जितनी कुव्वत होती कि तुमको कुव्वत से मैं रोक देता, मेरे मेहमानों पर हमलावर होने से रोक देता, काश मुझे इतनी कुव्वत होती। औ आवी इला रुकन शदीद, या मैं किसी मजबूत पाए की पनाह लेता। कालू या लूत इन्ना रसूल रब्बिक लन यसिलू इलैक, आप फरिश्तों, अब तक फरिश्ते खामोश थे, फरिश्तों को हजरत लूत अलैहिस्सलाम क्या समझते रहे? ऐसा कभी मेरे आका ने हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी इंसानी शक्ल में आने वाले फरिश्ते को इंसान नहीं समझा, हकीकतन इंसान नहीं समझा। हाय हाय, अब फरिश्तों ने कहा, यालूत अलूत अलैहिस्सलाम, यकीनन इन्ना रुसुल रब्बिक, हम फरिश्ते हैं, आपके रब की तरफ से आए हैं। लन यसिलू इलैक, वो करीब नहीं आएंगे हमारे, आपके भी करीब नहीं, आपको कुछ तक तकलीफ नहीं पहुंचा सकते वो कौम वाले, और हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम फरिश्ते हैं, रूप में इंसान क्या है? तो फरिश्ता इंसान बनकर आया तो ये फरिश्ता ही रहता है, बस समझना है, वो इंसानों जैसा नहीं हो जाता। हुजूर हमारी शक्ल में आए तो क्या हमारे जैसे हो जाते हैं? नहीं हो सकते। यसीरु इलैक फासरी बि अहलिक बि क़िटइन मिन अल-लैल, फरिश्तों ने कहा कि ए लूत अलैहिस्सलाम, अपने घर वालों को लेकर रात के एक हिस्से में निकल जाओ, इस बस्ती से निकल जाओ, ये इस बस्ती पर अजाब आने वाला है। फासरी बि अहलिका बि क़िटइन मिन अल-लैल वला यल्तफित, और मुंह फेर कर न देखना आप लोग, आप अपने घर वालों को लेकर, अपने मानने अपने चाहने वालों को लेकर क्या करो, यहां से रुख्सत हो जाओ, इस बस्ती को छोड़ दो, इस बस्ती पर हम अजाब लाने वाले हैं, रात रात आप निकल जाओ, रात आपके निकल जाने के बाद सुबह सुबह हम जो है इस बस्ती पर अजाब नाजिल करने वाले हैं। फला इल्तिफत मिनकुम अहद इल्ला इमरातक, आप तो निकल जाएंगे अपने अपने घर वालों को लेकर, लेकिन आपकी बीवी लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी काफिर थी, नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी काफिर, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर, एक नहीं, लूत अलैहिस्सलाम की एक ही बीवी थी, वो काफिर थी, नूह अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थी, उनमें एक काफिर एक मुसलमान। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने कह दिया कि आपकी बीवी जो है वो तो अजाब में गिरफ्तार होगी, बीवी लूत अलैहिस्सलाम की अजाब में मुबतला होगी, क्यों? कि वो काफिर थी। तो पैगंबर की बीवी काफिर हो सकती है, लेकिन पैगंबर की बीवी जिनाकार नहीं हो सकती। बता दिया था, बीवी तो नहीं की थी और उसने खियानत नहीं की, पैगंबर की खियानत नहीं की, यानी उसने जिना नहीं किया,
लेकिन वो काफिर थी, इसलिए गिरफ्तार अजाब हुई। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, फरिश्तों ने कह दिया कि जो आपकी कौम के लोग लूतियों का अंजाम होगा वही अंजाम होगा आपकी बीवी का भी। इन्न मौईदहुम अस्सुबह, उन पर अजाब आने वाला है, अल्लाह ने वादा कर दिया है कि सुबह सुबह उन पर अजाब आने वाला है, कल सुबह का सूरज निकलेगा तो वो अजाब में मुबतला होंगे। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलैसा सुबह बिकरीब, क्या सुबह करीब नहीं है? फलम्मा जा अमरुना जालना आलिया साफिलहा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया फरिश्तों ने कि आप चले जाएं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर निकल गए, उस बस्ती को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है कि हमने उस बस्ती के ऊपर के हिस्से को नीचे का हिस्सा बना दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक पर मारा, वो जमीन का जो हिस्सा था जिसे सदूम कहते हैं वो जमीन निकली, उखड़ गई अपनी जगह से, वो जमीन का हिस्सा उखड़ गया, वो बस्ती उखड़ गई। उसके बाद लेके गए, ऊपर लेके गए, कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ले जाकर उसे उल्टा नीचे के हिस्से को ऊपर का हिस्सा, ऊपर के हिस्से को नीचे का हिस्सा किया करके जमीन पर गिराया। हाँ, इसी को कहते हैं मुतफिकात, उल्टी हुई जमीन आज भी उस आज भी बाकी है। फलम्मा जा अमरुना जालना आलिया साफिलहा, वाम उलटने के बाद वाम तरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील, और हमने सिज्जील नामी पत्थरों से वो पत्थरों की बारिश बरसाई, उस पर पत्थरों की बारिश की अल्लाह तबारक तआला ने, मंदूद मुसलसल पत्थर बरसाए अल्लाह तबारक तआला ने, मुसव्वमतन इंद रब्बिक, हर एक पर हर पत्थर पर नाम लिखा हुआ था, निशान किया हुआ था। वमा हिया मिन अज़्ज़ालिमीन बिबाईद, और वो बस्ती जो है आज भी ज़ालिमों से बाईद नहीं, जिस बस्ती पर यह अज़ाब आया आज भी मौजूद है, लोग गुजरते हैं देखते हैं उन बस्तियों को। तो आज भी मैं बहुत ज्यादा अर्ज करना चाहता था लेकिन वक्त का दामन उसमें इतनी उसात नहीं कि मैं बोलूं। जो हकायक मैंने आज पेश किए, कुछ तो असरार की बातें भी की, ऐसी असरार की बातें थी, आप अगर उनको नोट कर लें और फिर उसके बारे में हम मुझसे डिस्कस करें तो बहुत अच्छा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें आज खुतबे कर्नाटक मोहम्मद खलीलुल्लाह शरीफ, खुतबे कर्नाटक मोहम्मद खलीलुल्लाह शरीफ, मोहम्मद खलीलुल्लाह शरीफ अलमारूफ बा जमालुल्लाह शामिरी चिश्ती खादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, जो बेंगलोर के साकिन थे, बेंगलोर के शुराफा में आपका एक नुमाया मकाम था, निहायत मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखने वाले, औलिया किराम के खानदान से ताल्लुक रखने वाले जमालुल्लाह शामिरी चिश्ती खादरी रहमतुल्लाह अलैह, जमालुल्लाह शाह साहब आपके पीर यानी मेरे पीर हजरत आमिर कलीमी, पीर आमिर कलीमी शाह अलैह रहमान, हजरत जमालुल्लाह शाह साहब आमिरी अलैह रहमान को खुतबे कर्नाटक का खिताब, और पूरे कर्नाटक को आपकी जिम्मेदारी में दिया, पूरे कर्नाटक के लिए आपको खिलाफत दी कि पूरे कर्नाटक को तुम्हें संभालना है। तो खुतबे कर्नाटक हजरत मोहम्मद खलीलुल्लाह शरीफ अलमारूफ जमालुल्लाह शामिरी चिश्ती खादरी अलैह रहमा कर्नाटक के तमाम मुरीदीन और खुलफा में नुमाया हैसियत रखने वाले थे, और सिलसिले आमिरिया कर्नाटक
के सीनियर मोस्ट खलीफा थे मेरे पीर यानि पीर आमिर कलीमी शाह अलैह रहमा के खुसूसी मुरीद थे, खुसूसी शागिर थे और नहायत काबिले ताजीम खलीफा थे। आपका नाम सिलसिले आमिरिया की तारीख में हमेशा रहेगा और आपके नाम के बगैर सिलसिले आमिरिया की तारीख नामुकम्मल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत खुतबे कर्नाटक जमालुल्लाह शाह आमिरी चिश्ती खादरी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख उनके अहदाफरी कारनामे उनकी दीनी खिदमात उनकी सिलसिले आमिरिया के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात उनके पीर की तारीख का एक हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। तो हजरत जमानुल्लाह शाह आमिरी अलैह रहमा अल्लाह तबारक तआला ने आपको सुलझा हुआ दिमाग दिया था, अपने पीर हजरत ख्वाजा फकीर नवाज पीर आमिर कलीमी शाह अलैह रहमत रिजवान के उलूम के वो नकीब थे, अमीन थे, मुबल्लिग थे और बेहतरीन मुबल्लिग थे, आला पैमाने के खतीब थे, आला पैमाने के मुर्शिद थे, पीर कामिल थे और सिलसिले आमिरिया के फरोग में उनका बहुत अहम और नुमाया किरदार रहा है। हम सिलसिले आमिरिया से वाबस्तगान आपकी यानि हजरत जमानुल्लाह शाह आमिरी खुतबे कर्नाटक अलैह रहमा की दीनी खिदमात सिलसिले आमिरिया के लिए उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। इल्म शरीयत और इल्म तरीकत के वो अमीन और नकीब रहे और उन्होंने बहुत से कारनामे अंजाम दिए। अब मैं इतनी वक्त में गुंजाइश नहीं पा रहा हूँ कि पूरी तफसील के साथ बयान करूँ उनके कारनामों को, उनके हयात के अहम गोशों को। अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आज की तकरीर मैंने जो की, जो अच्छी बातें मैंने बताई, इसका सवाब हजरत खुतबे कर्नाटक मौलाना मौलवी मोहम्मद खलीलुल्लाह शरीफ साहब अल मारूफ जमालुल्लाह शाह आमिरी चिश्ती खादरी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरफुतूह को पहुंचे। और अब तक जो रमजान मुबारक में हमने दीनी खिदमत अंजाम दी, तफसीली खिदमत मैंने अंजाम दी, इन सब का सवाब मैं जमालुल्लाह शाह साहब आमिरी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरफुतूह को पहुंचाता हूँ। दुआ करता हूँ कि हमारे मरीजों को अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आज मेरी भतीजी यानि सैयद मंजूर अहमद मेरे छोटे भाई सैयद मंजूर अहमद सैयद मोहम्मद इनामुल हक रशीदी शाह आमिरी की बड़ी बेटी महिया मेरी भतीजी रूमी की बेटी की आज सालगिरह की तारीख है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह उसका मुस्तकबिल हर पहलू से रोशन कर, ताबनाक कर, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसके बड़ों का साया उसके सर पर कायम और दायम रख, उसे अपने मकबूल बंदों महबूब बंदों में शामिल फरमा, ज़मीनी आफतों आसमानी बलाओं से उसे महफूज व मामून रख। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए अता फरमा। सैयद अबरार अहमद और मेरे नस्बती बिरादर डॉक्टर सज्जाद जहीर रहीमी शाह आमिरी साहब को अल्लाह हर एतबार से खुश रख, आबाद रख, शाद रख, उनकी हर बीमारी दूर फरमा। अब्दुल बासित कोलारी साहब की सादिक पाशा इन सब को अल्लाह सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा और अल्लाह ये हुनसूर के रहने वाले बुरहानुद्दीन हुनसूर के रहने वाले बुरहानुद्दीन आमिरी हुनसूर के रहने वाले हमारे मोहम्मद अयूब आमिरी मैसूर के रहने वाले जो हैं उनके भांजे अल्लाह उन पर करम फरमा, रहम फरमा, उनकी दीनी खिदमात को तू कबूल फरमा और उनके साथियों को यूट्यूब में दुआ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग अख्ताए आलम में यूट्यूब पर जितने भी लोग देख रहे हैं
और देखेंगे। ऐ अल्लाह उन सबको दोनों जहाँ की सआदतों रहमतों बरकतों से माला माल फरमा। शब्बीर अहमद साहब को भी मौला तबारक व तआला उनकी जायज़ तमन्नाओं में कामयाब फरमा, कामरान फरमा। बिजाह सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। सलाम अलैहि व सल्लम।